जब से हमारे भारत में मेक इन इंडिया की नींव रखी गई, तब से हमारे भारत की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में काफ़ी बड़े बड़े बदलाव देखने को मिले हैं। फिर चाहे वह सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग हो या फिर किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की, हमारी भारतीय कंपनी वाइब्रेंट और टाटा ने अभी हाल ही में भारतीय टेलीकॉम गियर्स के मैन्युफैक्चरिंग तेजस नेटवर्क में एक काफ़ी बड़ा मेजोरिटी स्टेक खरीद लिया है और इसी के चलते अब टाटा, नोकिया, हुआवी और सैमसंग जैसे बड़े टेलीकॉम गियर्स की मैन्युफैक्चरिंग को पूरी तरह से टक्कर देने के लिए अब भारत में ही 5G नेटवर्क्स के गियर की मैन्युफैक्चरिंग करेगा। आज की इस छोटी सी वीडियो में इस पूरी डेवलपमेंट पर बात करेंगे, इसलिए वीडियो आप पूरी देखिएगा। और इसी के साथ अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, क्योंकि आपका हमारे साथ जुड़ना ही मेरे लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन है। और दोस्तों, जो 5G गियर्स में इस्तेमाल होने वाले सेमीकंडक्टर जो आज के वक्त कोरिया, जापान, ताइवान जैसे देशों से इंपोर्ट किए जा रहे हैं, लेकिन अब वाइब्रेंट चिप के थ्रू इन सेमीकंडक्टर का पूरा इकोसिस्टम ही भारत में बनाने की घोषणा कर दी गई है। जैसा कि दोस्तों आपको याद होगा कि साल 2022 में टाटा ने सेमीकंडक्टर को लेकर कितना ज्यादा इंटरेस्ट दिखाया था, और साथ ही दोस्तों इकोनॉमिक्स टाइम्स ने एक रिपोर्ट भी लाई थी जिसमें यह बताया था कि जापान की कंपनी रेसेनेस और टाटा कंपनी के साथ तीसरी बड़ी कंपनी तेजस नेटवर्क के साथ एक एमयू को साइन कर लिया था, जिसमें यह तीनों कंपनियां साथ मिलकर भारत में काफी बड़े लेवल पर सेमीकंडक्टर एवं इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग करने वाली थी। और दोस्तों साथ ही एक रिपोर्ट और पब्लिक की गई थी जिसमें यह बताया गया था कि अगर यह तीनों कंपनियां साथ में मिलकर कार्य करेंगी तो 2029 तक भारतीय सेमीकंडक्टर मार्केट करीब 80 बिलियन तक पहुंच जाएगा, जो कि अभी मात्र 22 बिलियन का है, क्योंकि दोस्तों अभी भी पूरे दुनिया में सेमीकंडक्टर एक्सपोर्ट में चीन, कोरिया जैसे देश आगे हैं। लेकिन दोस्तों 2022 दिसंबर महीने तक कुछ ऐसे टर्म्स एवं रेगुलेशन आ गए थे जिसकी वजह से टाटा का वह एमयू सफल नहीं हो पाया था। लेकिन अब इस इंडस्ट्री में टाटा ने अकेले ही इस सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आने की ठान ली है और यह अनाउंसमेंट की है कि वो भारत में अपने नए सेमीकंडक्टर चिप असेंबलिंग यूनिट लगाने के लिए करीब 300 मिलियन इन्वेस्ट करेंगे और फिर आगे भी कई फेसेस में इन्वेस्टमेंट करते रहेंगे, क्योंकि आज के वक्त में भारतीय मार्केट में इलेक्ट्रॉनिक्स की डिमांड तेजी से बढ़ती जा रही है। और साथ ही टाटा के ऑफिशियल्स का कहना है कि हम जो दूसरे देशों से भारत में इलेक्ट्रॉनिक आइटम एवं सेमीकंडक्टर जो एक्सपोर्ट करते हैं उससे हम जल्द ही निजात पा लेंगे, क्योंकि हम भारत में ही इन सभी इक्विपमेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग का इकोसिस्टम बना लेंगे। और दोस्तों हमने देखा है कि टाटा ने जब कभी भी बड़ी अनाउंसमेंट की है तो उस पर काम भी किया है। और दोस्तों वाइब्रेंट कंपनी के ऑफिशियल्स के द्वारा यह बताया गया कि इन सभी सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को तमिलनाडु में डेवलप किया जाएगा। हालांकि दोस्तों कब से इन प्लांट्स में सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग शुरू की जाएगी इनकी कोई कंफर्म डेट निकलकर सामने नहीं आई है, लेकिन दोस्तों आज के वक्त में जिस प्रकार से हमारे भारत की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री सेमीकंडक्टर की कमी को झेल रही है, तो हो सकता है कि वाइब्रेंट और टाटा अपनी सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग जल्द ही शुरू कर देंगे। और दोस्तों टाटा के इस फैसले से हमारे भारत में न केवल इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री को बूस्ट मिलेगा, बल्कि हमारे भारत के इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरर्स को चाइना पर डिपेंडेंसी भी खत्म होगी। और हमारे भारत का पैसा जो बाहर जाता है वो दोस्तों काफी हद तक भारत में ही बचेगा। और दोस्तों इन सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग से टाटा जल्द ही भारतीय ब्रॉडबैंड इंडस्ट्री में भी अपने कदम रख लेगा। और टाटा के ऑफिशियल्स के मुताबिक इस सेगमेंट में किसी भी सर्विस प्रोवाइडर के कंपैरिजन में टाटा कंपनी सबसे सस्ती और सबसे अच्छी सर्विस प्रोवाइड कराएगी। और साथ ही टाटा के ऑफिशियल्स का कहना है कि सन 2025 तक टाटा के सैटेलाइट ब्रॉडबैंड के भारतीय ग्राहकों का बेस लगभग 5 मिलियन तक हो जाएगा। और दोस्तों इस सर्विस की मदद से हर साल टाटा कंपनी को करीब 9 से 10 हजार करोड़ रुपए सालाना रेवेन्यू जनरेट होगा। और दोस्तों इसीलिए इंटरनेशनल ब्रॉडबैंड कंपनीज भी भारत को अपना मेन बेस बनाना चाहती हैं, क्योंकि आज के वक्त में भी हमारे भारत में करीब 60% गांव की आबादी के पास ब्रॉडबैंड इंटरनेट मौजूद नहीं है, क्योंकि ऐसी जगहों पर फाइबर ब्रॉडबैंड ले जाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। और ऐसी ही जगह पर
दोस्तों, सैटेलाइट हाई स्पीड इंटरनेट देना ही सबसे सही और सबसे सरल इंटरनेट कनेक्शन है। और दोस्तों, भारतीय सेमीकंडक्टर और भारतीय सैटेलाइट इंटरनेट पर इन दोनों ही इंडस्ट्री में वाइब्रेंट और टाटा की मौजूदगी से हमारे भारत को पूरी दुनिया में एक अल्टरनेटिव मैन्युफैक्चरिंग हब की नज़र से देखा जा रहा है। दोस्तों, इस वक्त हमारे भारत का बहुत ही ज़्यादा अच्छा टाइम चल रहा है, क्योंकि आज के वक्त दुनिया की बड़ी बड़ी इलेक्ट्रॉनिक एवं सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां भारत के ऊपर अपनी नज़र जमाए बैठी हैं। और इसी वजह से अगर किसी भी कंपनी को थोड़ा सा भी मौका मिलता है तो वह तुरंत ही भारत के अंदर एक भारी इन्वेस्टमेंट कर देती है, ताकि किसी तरह वो भारत के अंदर अपनी यूनिट सेटअप कर पाए। और दोस्तों, देखा जाए तो इन कंपनियों में ज़्यादातर अमेरिका, कोरिया, जापान बेस्ड कंपनियां शामिल हैं, जो कंपनियां भारतीय कंपनियों के साथ मिलकर भारतीय मार्केट से चाइनीज कंपनियों को पूरी तरीके से रिप्लेस करना चाहती हैं। और दोस्तों, अगर हम थोड़ा और भारतीय मार्केट पर फोकस करें तो ये जितनी भी विदेशी कंपनियां हैं जो भारत में इन्वेस्टमेंट करना चाहती हैं या फिर कर दी है, तो उन्हें भारतीय मार्केट में ग्रोथ के लिए भारतीय कंपनियों की आवश्यकता पड़ने वाली है। और ऐसे में भारतीय कंपनियां कहां पीछे रहती दोस्तों, और साथ ही भारतीय कंपनियों के लिए ये एक काफी बड़ी अपॉर्चुनिटी भी साबित होगी। दोस्तों, इस नई यूनिट में न केवल मैन्युफैक्चरिंग एवं टेस्टिंग होगी, बल्कि असेंबलिंग और पैकेजिंग भी की जाएगी। और दोस्तों, साथ ही अब टाटा ने इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री पर फोकस करना शुरू कर दिया है, क्योंकि अब चाइनीज कंपनियां अपने इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स पर घमंड दिखाना शुरू कर चुकी हैं। और दोस्तों, आज के वक्त डिजिटल इकोनॉमी भी काफी तेजी से आगे बढ़ रही है, फिर चाहे वो हमारा भारत हो या फिर चीन। और दोस्तों, पिछले 20 सालों में इलेक्ट्रॉनिक ग्रोथ जितनी नहीं हुई उतनी मात्र 5 सालों के भीतर हो चुकी है, क्योंकि दोस्तों पिछले कुछ सालों में इलेक्ट्रॉनिक डिमांड काफी तेजी से बढ़ी है, और हमारे भारत के पास अभी ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं है जिसकी आज के वक्त आवश्यकता है। और दोस्तों, अब धीरे धीरे फॉरेन कंपनियां और भारतीय कंपनियां अपनी हेल्प से भारत के अंदर इलेक्ट्रॉनिक इकोसिस्टम तैयार कर रही हैं। और दोस्तों, हम बात करें टाटा की, तो टाटा ने अभी रिसेंटली ही आईफोन बनाने वाली कंपनी विस्टन के साथ भी पार्टनरशिप की है, और बहुत ही जल्द इनका भी काम शुरू हो जाएगा। और दोस्तों, साथ ही टाटा ग्रुप को कर्नाटक में भी काफी ज्यादा इंसेंटिव दी जा रही है, जिससे कि ये अपनी फैक्ट्री काफी आसानी से कर्नाटका में सेटअप कर पाए। और दोस्तों, सरकार द्वारा इस सिंगल विंडो माध्यम से करीब 92 से भी अधिक कंपनियां आसानी से अपनी प्रोडक्शन भारत में कर पा रही हैं, जिनकी वैल्यू करीब 8,000 करोड़ रुपए से भी अधिक है। वैसे आपकी क्या राय है दोस्तों टाटा की इस नई सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को लेकर, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर से दें। साथ ही दोस्तों, वीडियो को लाइक एवं शेयर करना ना भूलें। और इसी के साथ, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही डिफेंस एवं फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड वीडियो लाता रहूंगा। तो मिलते हैं दोस्तों आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।